या फिर ये हमने इन्होंने हमको गार्ड में ले लिया है ना, जैसे ये गार्ड है, ये गार्ड पोजीशन होती है, ये क्लोज गार्ड होता है, ये गार्ड हमें प्रेस करके ना हमें गार्ड पास करना होगा, तब फिर पोजीशन आप कोई भी लेंगे तो पॉइंट मिलेगा। जैसे हमने टेक डाउन लिया ना, टेक डाउन जैसे हमने लिया, 3 सेकंड होल्ड किया, 2 पॉइंट मिले और हम डायरेक्ट इसके ऊपर आ गए, 4 पॉइंट हुए। फिर हम चाहें तो ये ले तो इसका पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अगर हम फुल माउंट जाने से पहले साइड माउंट लेंगे तो हम 3 पॉइंट लेंगे। हाँ, अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट फुल माउंट पे जाते हैं तो साइड माउंट नहीं मिलेगा। फिर आप बैक माउंट जाइए, नहीं तो आप फिर से रिस्टार्ट करिए पोजीशन या गार्ड पास करिए आप। ये पोजीशन हो गई और ये लेग क्रॉस हो गई, ये सिंगल लेग है, सिंगल गार्ड है, सिंगल लेग गार्ड, और ये क्लोज गार्ड है, क्लोज। जैसे हमने इनको टेक डाउन लिया, ठीक, और ये नीचे है, हमने ऐसे इनको सिर्फ टेक डाउन के पॉइंट मिलेंगे, इसके बाद जब तक ये गार्ड में लगाए रहेंगे हम कोई भी पोजीशन लेंगे तो पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे। फिर या तो आप गार्ड पास करिए, नहीं तो आप वो पोजीशन चेंज कीजिए, जैसे आप जैसे इधर है गार्ड में, जैसे ये हैं, ये नीचे आ रहे हैं ना, तो हमने इनको पलट दिया, तो पहले हमको 2 पॉइंट मिलेंगे रिवर्सल के, 3 सेकंड होल्ड कर लिया हमने यहाँ पे, तो रिवर्सल के 2 पॉइंट, और हम इस पोजीशन पे हैं तो हमको 4 पॉइंट मिलेंगे फुल माउंट के, तो टोटल 6 पॉइंट। अच्छा, जब हम फुल माउंट पे हैं तो हम हैंड से भी वो कर सकते हैं, फिर मतलब चेस्ट टू चेस्ट पूरा ये, जैसे ये फुल माउंट लेने के लिए आप पूरा ले सकते हैं फुल माउंट, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फुल माउंट का कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि आपका हिप के ऊपर हो। हाँ, हिप इस पर हो, हिप ये जो हमारा हिप है इनके हिप के ऊपर हो और लेग क्रॉस ना हो, तो ये हो गया पॉइंट्स के ऊपर। ऐसे ये सर पॉइंट्स होते हैं, और जैसे कोई सबमिशन वाला होता है, सबमिशन का पॉइंट, जैसे ऐसे की स्टार्टिंग पोजीशन है, जैसे हमने ग्लिटी लिया ना, ग्लिटी लेके ये ले लिया और हमने इसको होल्ड किया ना, इन्होंने छोड़ा दिया इसका, तो 3 सेकंड तक हमने होल्ड कर लिया और ये सबमिशन अटेम्प्ट पूरा एकदम कंप्लीट नहीं हुआ, अटेम्प्ट किया तो उसका 1 पॉइंट मिलेगा ना, तो ये पूरे पॉइंट्स ऐसे होते हैं। और सबमिशंस टेक डाउन तो आप कैसे भी ले सकते हैं, टेक डाउन तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कौन टेक डाउन खेलता है, कैसे खेलता है। हाँ, तो टेक डाउन का है कि जो हिप के ऊपर होता है, हिप के ऊपर अगर आप थ्रो करते हो किसी को तो 3 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो आप नॉर्मली आपको 2 पॉइंट मिलेगा, अगर पैरों से गिरा रहे हो, नहीं तो आपको जो जूडो थ्रो होता है जैसे वो सब होते हैं उस पर आपको 3 पॉइंट मिलेगा। और सबमिशन पे है, जब से सबमिशन है तो आप कोई डायरेक्ट एकदम नहीं, डायरेक्ट कोई जैसे ये नहीं ब्रेक करने वाला होता है, यहाँ से आप कोई सबमिशन नहीं लगा सकते, आपको सबमिशन लगाना है तो पूरे सपोर्ट के साथ लगाना है, कि वो जैसे कैमूरा है तो एक अभी स्ट्रेट था वहाँ पे, तो एक ने ऐसे यहाँ से किया था, ये कैमूरा तो है नहीं, ये तो पूरा ब्रोक करने के लिए ही है, तो कैमूरा का ये पोजीशन होता है, तो ये पोजीशन, और कोई भी मतलब जॉइंट का मूवमेंट आउटवर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब इलीगल मूव्स है, जैसे कोई ऐसे मूवमेंट आप नहीं कर सकते, रिस्ट का भी आप कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो, और गर्दन का जैसे ये होता है, ये आपने ये इलीगल मूव है, और आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, ये नहीं लगा सकते, ये नहीं पकड़ सकते हो आप सबमिशन में कोई चीज़, हैंड से प्रेस नहीं कर सकते, ये आप ये प्रेस करिए, तो ये देखिए ये प्रेस कर रहे हैं तो आप ये पीछे बैक सपोर्ट है, और ग्लिटिंग का जैसे ये रियर नेक है, ये भी पूरा ऐसे सपोर्ट रहेगा, भाई जैसे एक पोजिशन ये गार्ड जैसी ये पोजीशन है, ठीक। अब यहाँ से देखिए सबमिशन की काफ़ी वेरिएशन बन जाते हैं, ठीक है, देखिए जैसे ये है, यहाँ पे आम बार करके पहले सबसे पहले ठीक गार्ड पोजीशन है, ये जितनी देर ये होल्ड करना चाहे कर ले, ठीक, जैसे मैं नीचे हूँ तो ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो इनको सिर्फ 4 पोजीशन मिलेंगे हर 15 सेकंड पे, अगर इन्होंने यहाँ पोजीशन नहीं चेंज की अपनी तो इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, हाँ, और हर एक पोर्शन पे 1 पॉइंट दे दिया जाएगा अपोनेंट को। अच्छा, आपको कंटिन्यूसली 5 मिनट में आपको मूवमेंट करती रहनी चाहिए।
पेज को तब हाँ जो ऊपर है जिसका कंट्रोल जैसे यहाँ पे इसके पोजीशन है आम बार के लिए पोजीशन बन रही है सर ठीक है ये आम बार हो गया आइए जैसे ये पोजीशन बन रही है गार्ड मिल गया ये यहाँ पे ये आप दो चीज़ें कर सकते हैं आप पूरा घूम सकते हैं शोल्डर का हो गया नहीं तो आप नॉर्मली रिस्ट का भी मूवमेंट करेंगे तो भी ये टैप करेंगे रिस्ट को इस तरह से मोड़ सकते हैं ना किस तरह आउटवर्ड कोई मूवमेंट होगा ही नहीं सारे इनवर्ड मूवमेंट ये हो गया और यहाँ से जैसे ये इस पोजीशन पे गार्ड पोजीशन से आप क्या मोड़ा भी कर सकते हैं आराम से और यहाँ से ट्रायंगल का भी आराम से बनता है पोजीशन गार्ड पोजीशन पे ये पोजीशन बन गया आप यहाँ से आम बार का भी लगा सकते हैं अगर उस पर भी टैप ना हो तो कैमूरा तो ये गार्ड पोजीशन के जितने सबमिशन होते हैं और जैसे आप ये बता रहे थे ये वाला होल्ड करके जैसे ये गार्ड आप एक गार्ड लीजिए